हाउ टू इनेबल ट्रू कॉलर कॉल रिकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने ट्रू कॉलर में कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करना, चाहे वो ऑटोमेटिकली हो या मैनुअली हो, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोग में नए अपडेट में बताऊंगा कि आप लोग नए अपडेट के ट्रू कॉलर में आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं। मेरे पास कई लोगों की कमेंट आ रही है कि सर, मेरे ट्रू कॉलर में कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे ट्रू कॉलर में जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो है ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इनेबल नहीं कर पा रहा हूँ कॉल रिकॉर्डिंग, तो आप प्लीज़ बताइए। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए, जो सभी लोगों के लिए, एक वीडियो बना देता हूं और उसमें बता देता हूं कि ये आप लोग ट्रू कॉलर में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा और इसमें आप लोगों को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, ऊपर आप लोगों को लोगो मिलता है, यहाँ पे आप लोग लोगो पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग्स, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ये आप लोग की जो सेटिंग है डिसेबल है, इसको आप लोग इनेबल कीजिए। गॉट इट पे आप लोग क्लिक कीजिए और गॉट इट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो इनेबल हो जाएगी। इसके बाद सेटिंग पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है ऑटो रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप लोग चाहते कि आप लोग के जो नंबर पे कोई कॉल आए या कोई कॉल जाए, वो आप लोग को मैनुअली बटन को प्रेस ना करना पड़े, वो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए, तो आप लोग ऑटो रिकॉर्ड पे इनेबल कर दीजिए। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के फ़ोन पे जो कॉल आ रही है उसकी जो भी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए तो इस सेटिंग को इनेबल कर दीजिए। आप चाहते हैं कि उसका कोई नोटिफिकेशन ना आए तो आप लोग इसको डिसेबल रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने ट्रू कॉलर में कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ एक कॉल लगा के, और यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग की जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है ट्रू कॉलर से या नहीं। यहाँ पर मैं डायल करूँगा 198 और आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारी जो कॉल है वो लग चुकी है, और नीचे ही आप लोग को एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पे मिल रहा है, सेकंड हमारी चालू हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारे जो ट्रू कॉलर में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से अपने ट्रू कॉलर में कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉल हूँ डिस्कनेक्ट। सो दोस्तों, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है ट्रू कॉलर में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करने से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।